तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, पैराग्राफ वाइज जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इसमें पूरा नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा। आप लोग सीक्वेंस के हिसाब से हर एक वीडियो देखेंगे। देखिए, इससे पहले दो तीन वीडियो में हमने पूरे समरी को ट्रांसलेट इनटू हिंदी, बोले तो सभी समरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत ही अच्छा से आपको समझाए हैं। अगर आप वो मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब वो वीडियो देखेंगे ना तो पैराग्राफ में दिए गए प्रत्येक प्रश्न को, पैराग्राफ में दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली आप लिख पाएंगे आंसर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, पैराग्राफ में जो क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछेगा, बट नहीं, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। बिकॉज पैराग्राफ से जो क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th क्लास में, और कुछ जो इंटरनल जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन दिया रहता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। सो चलिए देखते हैं पैराग्राफ वाइज में पहले पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का जो चैप्टर है, इसके राइटर आपको तो पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखे होंगे तो आप डायरेक्ट समझ गए होंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के जो चैप्टर है इसका लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। अब चलिए, सवाल क्या है, देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। देखिए, पैराग्राफ का पहला, मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ देखिए, यह आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर मोहनदास करमचंद गांधी हैं। और यहाँ पर देखिए पैराग्राफ, यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर उसके आगे भी दिए गए हैं, जो सब मिला जुला करके यहाँ पर एक पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आगे भी देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ वाइज 2.1, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी, जो आप पढ़ दिए उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। सो विदाउट एनी लेट देखते हैं, यहाँ पर सवाल क्या है कि व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट गांधी जी के बारे में। तो देखिए, गांधी जी वॉज ए ग्रेट सिटीजन ऑफ इंडिया। गांधी जी जो हैं, ठीक है ना, गांधी जी जो थे, अभी तो नहीं हैं, फिलहाल वो दुनिया से चले गए हैं, ठीक है। तो गांधी जी वॉज, इसलिए जो जब दुनिया से चले गए तो हम लिखेंगे गांधी जी वॉज, तो गांधी जी वॉज ए ग्रेट सिटीजन ऑफ इंडिया। गांधी जी जो थे वो भारत के, यहाँ देखिए, भारत के एक महान नागरिक थे, ठीक है ना। He was born on 2nd October 1869. उनकी जन्म कब हुई? He was born, उनका जन्म हुआ on 2nd October 1869. यानी कि 1869 में तारीख 2 था, अक्टूबर का महीना था। And died on 30 January 1948 by the hand of fanatic. एक कट्टरपंथियों के हाथ से वो मारे गए। अब आगे देखिएगा, His popularly name was Bapu. उनका प्रसिद्ध नाम क्या था? बापू। और देख लीजिएगा और क्या आगे देखिए, द फादर ऑफ द नेशन, और उनका एक और भी प्रसिद्ध नाम था जिसे हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कॉमा देकर के वाज है, तो ये नहीं समझिएगा, थोड़ा सा हम समझ रहे होंगे कि आपको दिक्कत हो रहा होगा कि डायरेक्ट वाज क्यों है। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में बात हो रही है तो समझिए, तो या तो ही लगा दीजिए, प्रोनाउन वर्ड है ही, और नहीं तो डायरेक्ट गांधी जी का नाम लेकर के आगे बढ़िए। तो गांधी जी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वो राजनेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है ना। देखिए, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, वो आध्यात्मिक नेता थे, वो एक आध्यात्मिक नेता थे, देन ए पॉलिटिशियन। देन का कभी भी वर्ड जो, ये जो होता है ना देन, ये कभी भी दो वर्डों के कंपेरिजन में किया जाता है, जैसे कि देन का जो प्रयोग हो रहा है, यानी कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। अब देखिए, फिर उन्हीं की बात हो रही है, ही माने वह सक्सेसफुली यूज ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, वो सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, यूज ट्रथ सत्य का प्रयोग करते थे एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का, एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। थोड़ा सा आगे बढ़ करके और समझ लेते हैं, देखिए, ही सक्सेसफुली यूज, वो सफलतापूर्वक प्रयोग करते थे ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, एज द चीफ वीपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट के खिलाफ, द ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों के नियम के खिलाफ, यानी जो अंग्रेज हिंदुस्तान में जो नियम चलाते थे, जो अपना शासन चलाते थे, उस शासन के खिलाफ जो है ना लड़ने के लिए गांधी जी जो थे वो सफलतापूर्वक दो ही चीज़ का, दो ही हथियार का इस्तेमाल करते थे, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा का। एंड और आगे बढ़िए, और हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और यही दो मुख्य हथियार, यही ट्रथ एंड नॉन वायलेंस,
इंडिया को स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है। हाँ, तो यहां तक तो हो गया पहला का आंसर, ठीक है ना। वैसे तो आप ओरली भी कर सकते थे। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखिए यहां पर पैराग्राफ वाइज सेकंड क्वेश्चन, यहां देखिए व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार। देखिए अगर आप हमारा इसके पहले वाला दो तीन वीडियो में अगर आप समझे होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो केयरफुली आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार। देखिए बिहार में जो किसान थे, ठीक है ना, उनके लिए गांधी जी ने क्या किया था, कौन कौन से कदम उठाए थे, ये ऑलरेडी हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो में अगर आप हमारा वीडियो वो देखेंगे तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसको भी हम समरी में समझा दिए हैं। तो ये दो तीन क्वेश्चन को छोड़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि हमारा पवित्र ग्रंथ जो हमारा पवित्र ग्रंथ है वो हमें, हम सभी इंसानों को क्या सिखाता है। तो देखिए यहाँ पर व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस, ठीक है ना, हमारा पवित्र ग्रंथ, होली स्क्रिप्चर्स मतलब होता है पवित्र ग्रंथ। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस, ठीक है ना, हम लोगों को क्या सिखाता है, क्या बताता है हमारा पवित्र ग्रंथ, अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो हमारा एक सार्वभौमिक जो मनुष्य का जो कीमत है, जो हमारी जिंदगी है, ठीक है ना, सार्वभौमिक जिंदगी है, उस जिंदगी के बारे में क्या बताता है। तो देखिए इसका एक छोटा सा आंसर है, आवर होली बुक जो हमारा पवित्र ग्रंथ है टीचेज अस द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सत्य का भावना एंड एस सेक्रीफाइस। देखिए ये जो हमारा पवित्र ग्रंथ है ना वो हमें सत्य, देखिए ट्रथ एंड सेक्रीफाइस, सत्य और त्याग की भावना को सिखाता है, एज वेल एज साथ ही साथ गिव द मैसेज ऑफ यूनिटी, और यह संदेश देता है एकता का एंड ब्रदरहुड भाईचारे का। यानी कि हमारा जो पवित्र ग्रंथ है वो हमें क्या सिखाता है, सत्य और त्याग की भावना सिखाता है, और क्या है कि हमें साथ ही साथ हमें क्या सिखाता है और क्या चीज़ का मैसेज देता है कि हम एकता बना के रखें, हम दूसरे से नफरत ना रखें, हम दूसरे से दुश्मनी ना रखें, दो चार बातें अगर कोई कुछ बोल दे रहा है तो थोड़ा बर्दाश्त करके चलें, यानी एकता बना के रखें, यूनिटी बना के रखें, ठीक है ना, और जो है ना भाईचारे का भी हम लोग माहौल बना के रखें, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला पैराग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे, और क्या है क्वेश्चन कि व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टूडे। गांधी जी के कथनानुसार, यानी ये सवाल का हिंदी समझिए, गांधी जी कहते हैं कि मतलब आज से जो हजारों साल पहले जिस हल का हम लोग प्रयोग करते थे क्या आज भी करना ठीक है, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टूडे, आज भी हम लोग उसी हल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो कल्टिवेशन के लिए हम लोग जिस हल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखिए पहले के लोग क्या करते थे, जब खेती करते थे तो टेक्निक बहुत आगे नहीं था, तकनीक बहुत आगे नहीं था, जिसके कारण जो है ना जो हल था ना कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना, हल था, और यहाँ पर क्या था कि आदमी यहाँ पर खुद खींचता था और यहाँ से ये जुताई बुआई का काम करता था, यानी कि एक फावड़ा टाइप का रहता था जिसे इंसान क्या करता था, मनुष्य के द्वारा उसे खींचा जाता था और फिर खेत की जुताई होती थी, कुदाल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी इम्प्लीमेंट्स है, कल्टिवेशन इम्प्लीमेंट्स थे, जो क्या वो जो हजारों साल पहले इस्तेमाल किया जाता था आज भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या वही इस्तेमाल अगर हम लोग करते रहें तो क्या हम 1 बिलियन या हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम लोग जीवित रख पाएंगे, क्या हम खेती आसानी से कर पाएंगे। गांधी जी का यही पूछने का मतलब है, ठीक है ना, सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। आंसर को हम लोग देखिए किस तरीके से, देखिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम फ्रॉम द यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। देखिए जो भी खुशियाँ, ठीक है ना, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो धन और खुशी होती है, जो धन और खुशी जो होती है ना, कम फ्रॉम द यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, हम लोग अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके ही हम लोग खुश रहते हैं, या हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, या फिर हम लोग धनी मनी कहलाते हैं, ठीक है ना। बट लेकिन आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है इट वुड बी राइट टू डू द सेम काइंड ऑफ फ्लो टूडे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो हजारों साल पहले जिस कल्टिवेशन इम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता था आज अगर हम लोग करें तो वी कैन नॉट फीड आवर 1 बिलियन पॉपुलेशन, हम लोग पूरी अपने 1 बिलियन पॉपुलेशन को हम लोग खिला नहीं पाएंगे इफ़ वी यूज द सेम ओल्ड फ्लो, अगर हम लोग पुराने कल्टिवेशन हम इम्प्लीमेंट बोले तो हल का इस्तेमाल करें तो टूडे, ठीक है ना,
माने अभी अभी की बात जो हो रही है कि आज हम आज से हजारों साल पहले जो कल्टीवेशन हम इम्प्लीमेंट्स बोले तो हल का इस्तेमाल जो किया जाता था, अगर आज हम लोग इस्तेमाल करें तो 1 बिलियन पॉपुलेशन को हम लोग क्या नहीं पाल पाएंगे। देन आवर एग्जिस्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और हमारा जो अस्तित्व है वो असंभव रहेगा। तो ये रहा आपका B.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं पहला और दूसरा तीसरा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये अगर हमारा वीडियो दो तीन वीडियो जो पहले हमने समरी के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना, समरी का पूरा निचोड़ हिंदी में करके जो समझाया था, अगर वो देखे होंगे तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। वाई डज गांधी सी डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी ऐसे क्यों कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। वाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, हमारे दिमाग को जो है ना बेचैन कौन बनाता है। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, डिड दे डू द राइट थिंग। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसका हिंदी है कि बताइए, ये देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार देख भी लीजिए, इसी में से हम बोल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है तो उसका हिंदी ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भोग और विलासिता से, ठीक है, आनंद और खुशी बहुत ज़्यादा लेने से क्यों मना करते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी हम बहुत पहले समझा दिए। अब जो जो चार नंबर क्वेश्चन दिया था कि वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टूडे। तो ये उसका आंसर रहा, आप लोग इसका देख लीजिए आंसर, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो बहुत ही आसानी से आप उस आंसर को लिखा। अब चलिए बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर को देखते हैं। तो अब यहाँ हम बिना देर किए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हमारे जो पूर्वज है ना बड़े शहरों को कैसे देखते थे। वाई वी आर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, और वे लोग छोटे गांवों से कैसे संतुष्ट रहते थे, ठीक है ना, क्यों संतुष्ट रहते थे। वाई यहाँ पर वाई है, देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े शहरों से ना संतुष्ट रह करके बल्कि वे लोग छोटे गांव से संतुष्ट रहते थे, ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आंसर होगा, आवर एंसेस्टर्स लुक ए बिग सिटीज विथ इनसिक्योर आइज, वे लोग जो है ना माने जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े शहरों को जो है ना असुरक्षित नज़रों से देखते थे। बिकॉज क्योंकि गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का जो गिरोह था, डाकुओं का गिरोह था, रॉबर्ट्स और प्रोस्टिट्यूशन जो वेश्यावृत्ति थी, ठीक है ना, बड़े शहरों में उन लोगों ने जो देखा, एंड अदर इविल फ्लॉरिश, और भी बहुत सारे अन्याय थी जो प्रोड्यूस जो पनप रही थी, ठीक है ना, एंड और रिच रॉब द पुअर, और उन लोगों ने ये भी देखा कि अमीर जो है ना गरीब को लूट रहा है। सो दे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, और इसलिए दे आर सेटिस्फाइड, वे लोग संतुष्ट हुए विथ ए स्मॉल विलेज, छोटे गांव से, क्योंकि जो बड़े गांव जो बड़े शहर के जो जगह था जो बड़े शहर था उसमें होता क्या था कि बहुत सारे चोरों का गिरोह था, बहुत सारे डाकू थे, बहुत ज़्यादा अन्याय देखने को मिल रहा था बड़े बड़े शहरों में, बहुत ज़्यादा जो है ना एक दूसरे को परेशान करना या गरीबों को लूटना, ठीक है ना, या फिर कई तरीके की समस्याएँ, बहुत सारे अन्य मतलब कई तरीके की समस्याएँ देखने को मिला। इसलिए हमारे पूर्वज ने कहा कि जो मज़ा छोटे गाँव में है, छोटे गांव में जो जितना सुकून है जितना आनंद है उतना बड़े शहरों में नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल, ठीक है ना, हमारे पूर्वज जो है ना हाउ डिड आवर एंसेस्टर इंजॉय, हमारे पूर्वज कैसे आनंद लेते थे ट्रू होम रूल, सत्य गृह शासन का, हमारे जो पूर्वज थे वो सत्य गृह शासन का कैसे आनंद लेते थे। तो इसका आंसर होगा, आवर एंसेस्टर फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशन, हमारे जो पूर्वज थे वो एक साधारण व्यवसाय करते थे एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और साधारण व्यवसाय करने के साथ साथ वे लोग क्या करते थे, स्वतंत्र भी रहते थे, इसलिए दस इस प्रकार दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, इसलिए वे लोग सत्य गृह शासन का आनंद लेते थे। तो यहाँ तक आपका बी एक्सरसाइज पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ तक खत्म कर दिए। तो यहाँ तक हो गया आपका पैराग्राफ वाइज कुछ क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।